इस बीच गाजियाबाद धर्मांतरण केस में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो के निशाने पर बच्चे ही होते थे और वो उनको एक खास गेमिंग ऐप खेलने के लिए उकसाता था। धर्मांतरण की साजिश के आरोपी शहबाज उर्फ बद्दो नाबालिग को ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उकसाता था। पुलिस की बातचीत में खुलासा हुआ है कि बद्दो के टारगेट पर ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चे ही होते थे। बद्दो के एक नहीं कई शिकार है। वो बच्चों को लुभाने के लिए ऐशो आराम की जिंदगी का ख्वाब दिखाता था। बद्दो टेक्नोलॉजी में माहिर खिलाड़ी है। उसका बच्चों को दुबई ले जाने का भी प्लान था। उन्हें फ्री में दुबई घुमाने का लालच दिया था। वॉलरेंट गेमिंग ऐप से नाबालिग बच्चों को फंसाता था। ज्यादातर ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों को टारगेट करता था। गेम का सर्वर दुबई से होने की आशंका, सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट के कई बच्चों के जुड़ने की आशंका। पुलिस जांच में पता चला है कि फोर्टनाइट का सर्वर दुबई से कनेक्ट था। वॉलरेंट गेम में एक साथ जुड़ सकते हैं कई लोग। पुलिस फिलहाल पीड़ित बच्चों और परिवार वालों से पूछताछ में जुटी है और इसके साथ ही आरोपी शहबाज की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। ऑनलाइन ऐप के जरिए धर्मांतरण के खेल पर नकेल की तैयारी हो चुकी है। सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से चौकन्नी है, तो वहीं भारतीय कंपनियां सेल्फ रेगुलेशन की तैयारी में है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का खेल अब बंद होने वाला है। इस ऐप के जरिए छोटे बच्चों को लुभाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। गाजियाबाद में इसी तरह से हुए धर्मांतरण का केस सामने आने के बाद सरकार इस तरह के गेमिंग ऐप पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। गेमिंग हो या सोशल मीडिया हो या न्यूज हो या जो भी हो, वो यूजर हार्म उनको क्रिएट करने का या उसका इम्पैक्ट होना वो एक तरह से प्रोहिबिटेड है, और हम उसको यूजर हार्म क्रिएट करने के लिए किसी हालत में परमिट नहीं करेंगे। बच्चों और युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत को देखते हुए गेमिंग इंडस्ट्री भी सेल्फ रेगुलेशन के लिए मसौदा तैयार कर रही है। जो आपके बेटिंग गैम्बलिंग ऐप्स हैं और जो गलत ऐप्स हैं उनको वेरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, और जो स्किल गेम्स हैं जो संवैधानिक रूप से चलते हैं देश में, उनको एक मानक चिन्ह दिया जाएगा जिससे सही और गलत का फर्क हो सके। और आइए अब आपको बताते हैं किस तरह आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो धर्मांतरण के लिए बच्चों का ब्रेन वॉश किया करता था। यह खुलासा हैरान कर देने वाला है। धर्मांतरण का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। वहीं उसका दिमाग बेहद चातराना अंदाज में काम करता है, जिसका खुलासा पुलिस सूत्रों की तरफ से किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने धर्मांतरण का शिकार हुए बच्चों को बताया था कि वह पहले ईसाई था और उसने काफी ज्यादा परेशानियां झेली थी। परेशानियों से दूर होने के लिए उसने आयत पढ़ी, इस्लाम धर्म कबूल किया और उससे इसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। वह अपनी जिंदगी में काफी सफल हुआ और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। इतना ही नहीं, शहनवाज उर्फ बद्दो ने नाबालिग बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया। झूठी कहानी सुनाकर बद्दो ने 5 बच्चों को अपने जाल में फंसाया और उनका ब्रेन वॉश किया। बच्चों के धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान पुलिस को वीडियो के रूप में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। साथ ही आरोपी बद्दो की एक नई गेमिंग ऐप का भी खुलासा हुआ। पुलिस को शक है कि बद्दो विदेश भाग सकता है, क्योंकि वो बच्चों को दुबई ले जाने की बात करता था। इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने दूसरे आरोपी शहनवाज खान के बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं।